हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। अभी मैं कबार के दुकान से आया हूँ। तो ये मैं एक वाटर टैंक या वाटर कैनिस्टर जो भी बोल दिए आप, तो इसको मैं लेके आया हूँ। इसका जो नीचे वाला पार्ट था वो थोड़ा फटा हुआ था, इसलिए वहाँ पे ही मैं इसको काट के लेके आया हूँ। अभी इसको मैं होल कर रहा हूँ, तो मैं पहले स्क्रू ड्राइवर से ट्राई किया लेकिन उससे होगा नहीं, या होगा तो बहुत छोटा होगा। इसलिए मैं क्या किया, कैंडल को ही डायरेक्ट डाल दिया हूँ। तो अब भी जब भी ऐसे करके हार्ड प्लास्टिक को होल करना है तो कैंडल को डायरेक्टली वहाँ पे, सिर्फ आपको सावधानी बरत के थोड़ा करना होगा, क्योंकि जो कैंडल का पोजीशन है वो इंक्लाइन पोजीशन में होने के कारण तो उसका लो अनकंट्रोल हो जाता है। बाकी आप कोई भी हार्ड प्लास्टिक ऐसे कर सकते हो। और मैं आपको पहले ही बताया हूँ कि इसका नीचे का पार्ट अच्छा नहीं था, तो उसको काट के इसलिए मैं इसको उल्टा करके लगाऊंगा और अपना गार्डेनिया प्लांट को। मैं जहाँ से सामान लेके आता हूँ कबार का, वो मेरा दोस्त की तरह है, तो उसको मैं कोई भी चीज़ दे देता हूँ तो बदले में मेरे को ये सब दे देता है। तो आप भी ऐसा करें कि कोई भी अगर आपको लोहे का सामान या कोई भी जिसमें आप प्लांट नहीं लगा सकते उसको, लाइक बार्टर सिस्टम, आप ऐसा कर सकते हैं, आप उसको दे दीजिए, बदले में आप कोई भी प्लांट्स लगाने वाला बकेट हो या फटा कंटेनर हो आप लेके आ सकते हैं। मैं ऐसा ही करता हूँ। अगर आपको वीडियो देखने में अच्छा लगता है, इंटरेस्टिंग लगता है, तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए, तो इससे मेरे को और मोटिवेशन मिलेगा आगे का वीडियो करने के लिए। आप जो अभी स्क्रीन में देख रहे हैं, ये मेरा प्लांट है गार्डेनिया का, आप देख सकते हैं। तो जब भी आपको प्लांट को रिपोर्टिंग करना होगा तो उसमें आप उस कंटेनर में पानी डाल दीजिए। पानी डालने से होगा ये कि जो रूट बॉल होता है वो आराम से निकल आता है, आप देख सकते हैं, तो ये आराम से निकल आया। फिर आप एक बकेट लीजिए या कोई भी सामान ले लीजिए, तो उस प्लांट को डायरेक्टली उसको आप उस चीज़ में डुबा दीजिए। आप स्क्रीन में देख सकते हैं, और गार्डेनिया प्लांट एक बहुत ही हार्डी प्लांट है, इसको आप धूप में रखिए, कोई टेंशन नहीं है। और इसको आप खाली मिट्टी में भी लगा सकते हैं, जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है सिर्फ मिट्टी में भी ये लग जाएगा। आप ये सब देख सकते हैं कितना बढ़िया रूट। आप जो मैं बोला था, इसका जो ऊपर वाला पार्ट है जहाँ पे एक सील लगा रहता है, तो उसको नीचे करना पड़ा मेरे को, क्योंकि इसका ये पार्ट ख़राब था। और बाकी आप होल देख सकते हैं कहाँ कहाँ मैं होल किया हूँ। तो इससे अच्छा ही है, इसको स्टेयरिंग की तरह घुमा घुमा के नीचे में डाल दिया हूँ, आप देख सकते हैं। और टाइम टू टाइम ये और धस जाएगा। तो ऐसे करके एक वेस्ट का सामान भी आपका यूज़ हो जाएगा। और इस मिट्टी बहुत हार्ड था, तो इसमें थोड़ा मैं वर्मी कंपोस्ट, थोड़ा कोकोपीट मिला दिया हूँ। वैसे तो मैं कोकोपीट नहीं मिला था परमानेंट प्लांट में। बाकी आप देख सकते हैं, मेरा एक हाथ में मोबाइल है और एक हाथ से कर रहा हूँ, तो इसके लिए तो एक लाइक बनता है। बाकी का प्रोसेस आप देख सकते हैं, धीरे धीरे करके मैं डाल रहा हूँ। आपको क्या चाहिए, सिर्फ एक मोटिवेशन कि आप गार्डनिंग करो। सामान चाहे जो भी हो, किसी में भी आप लगा सकते, कोई भी चीज़, अगर आपके मन में करने की चाह हो।
अभी आप सोच सकते हैं कि मैं मिट्टी में क्यों नहीं लगाया, तो मिट्टी में नहीं लगाने के कारण क्योंकि हम लोग का ये शिफ्टिंग होने का चांस है, इसलिए मैं कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहता हूँ। तो इसलिए मैं, और ये भी अच्छा है कि एक वेस्ट का बढ़िया इस्तेमाल हो गया, और आप देख सकते हैं कि मैं कितना ऊपर रखूँ कितना नीचे रखूँ ताकि इसका जो रूट है आराम से मिट्टी में लग जाए और ऊपर से भी ऑक्सीजन मिलता रहे, क्योंकि ज़्यादा अंदर डाल दूँगा, प्लास्टिक ही है ना। फिर भी मैं होल कर दिया हूँ, आप देख सकते हैं। और मैं ये चिपचिपा वाला मिट्टी जो पानी क्यों लेना पड़ा आप कमेंट करके बताइए। बाकी आपको अच्छी तरह से नहीं दिखाई दे रहा होगा क्योंकि इसका जो ब्रांच है वो कवर कर रहा होगा, तो लास्ट में इसको मैं प्रूनिंग कर दिया हूँ। और कोई भी प्लांट में आप प्रूनिंग ज़रूर करें क्योंकि प्रूनिंग करने से आपका ज़्यादा से ज़्यादा साइड ब्रांच निकल जाता है। और बहुत लोग डरते हैं कि प्रूनिंग करने में या उन लोग से कटिंग लाने जाने से ब्रांच को काटने में डरता है, तो उन लोग के लिए मैं बोलना चाहता हूँ कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रून करें अपने प्लांट को। और ये प्लांट मेरा 2 साल पुराना है, अभी तक मेरे को कोई भी पेस्ट इन्फेस्टेशन या कोई भी बीमारी इसमें नहीं दिखा। बहुत लोग बोलते हैं ये सेंसिटिव प्लांट है, लेकिन मेरे जहाँ पे मेरा एक्सपीरियंस है ये उतना सेंसिटिव प्लांट नहीं है। आप इसको आराम से केयर करें तो सिर्फ मिट्टी में भी इसको आप लगा सकते हैं। और आप जैसे कि देख सकते हैं मैं इसको प्रून कर दिया हूँ, आपको अच्छी तरह से अभी देखने को मिलेगा। और बहुत लोग पोटिंग के बाद ये प्लांट शॉक में आ जाता है, लेकिन जहाँ तक मेरे को पता है ये प्लांट रिपोर्टिंग के बाद शॉक नहीं होता है। हिबिस्कस प्लांट जो कि है वो रिपोर्टिंग के बाद आपका शॉक में आ जा सकता है। बाकी आप स्क्रीन में देख सकते हैं मैं रूट कहाँ से कहाँ तक रखा हूँ। तो इसका जो मैं प्रून किया हुआ कटिंग है ये सब मैं फेंकूँगा नहीं, इसको मैं फिर लगाऊंगा। वैसे तो मेरा अभाव नहीं है प्लांट का, फिर भी आपको फेंकना क्यों है अगर आपको कोई भी चीज़ फ्री में मिले तो। आपको कभी मैं दिखाऊंगा किसी वीडियो में मैं एक्सपेरिमेंट किया हूँ। एक 2 इंच का कटिंग लिया था जो कि अभी एक प्लांट बन गया है, तो आप इस प्लांट का छोटा से छोटा कटिंग भी अगर ले लेते हैं तो ये हो जाता है। सिर्फ थोड़ा पतला मत लीजिए, लेकिन छोटा होने से चलेगा। और इसको मैं कोकोपीट में लगा दिया हूँ, कुछ दिन बाद इसका सूट भी निकलेगा, लीफ भी निकलेगा। तो आज के लिए वीडियो ख़त्म दोस्तों। वीडियो अच्छा लगे, इन्फॉर्मेटिव लगे, इंटरेस्टिंग लगे तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगली बार किसी और एक वीडियो के साथ आप लोग से मिलूँगा, तब तक के लिए रिड्यूस रीयूज रिसाइकल मेक यूज़ ऑफ एवरीथिंग एंड डू गार्डनिंग। बाय।